हमने तो कहा था कि 11:30 बजे तक सैलरी आ जाएगी, 1:30 बज गया अभी तक नहीं आई है। हाँ तो फोन देखने से आएगी क्या? तुम ना बस नाम के ग्राम विकास अधिकारी हो, सैलरी कभी टाइम पे नहीं आती। अरे सरकार तो पैसा डाल देती है पर बैंक वाले लेट कर देते हैं। वैसे भाभी आपके पापा भी तो बैंक मैनेजर है ना, जरा पूछिए उनसे टाइम पर क्यों नहीं देते। अच्छा सारा दोष तो बैंक वालों का है, सरकार तो निर्दोष है। मोदी जी जो बैठे हैं वो भी तो 15 लाख रुपए दे रहे थे, वो तो दे चुके होंगे, बस बैंक वालों ने ही लेट कर दिया होगा। ऐसा है मोदी जी को कुछ मत बोलो, वो तो फकीर आदमी है, एक दिन झोला उठाएंगे चल देंगे। आ गई क्या? हाँ आ गई, तुम्हारी पुष्पा पूछ रही है गोभी की सब्जी कैसी लगी, आज दोबारा बना के ले आऊं। भैया ये पुष्पा कौन है? कौन होगी, मेरी सौतन होगी। अरे ला दो। पहले ये बताओ ये पुष्पा कौन है? अरे भैया की पीए होगी, है ना भैया? कब से चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? यही तुम्हारी आशिकी। आशिकी तुम्हें ग्राम विकास अधिकारी पे शक कर रही हो? क्यों ना करूं, जब मैं सब्जी बनाती हूँ तो पेट में गैस बनने लगती है और जब असिस्टेंट बनाकर आए तो ठूस के आ गए। अरे ये तो हाथ हाथ का हुनर है, किसी किसी के पास होता है। देखा सुशीला, मैं इस आदमी के लिए सुबह दोपहर शाम रात खाना बनाती हूँ और ये बाहर जाके चक्कर चला रहा है। भैया ये गलत बात है, अगर आपको भाभी पसंद नहीं है तो मुझे पहले ही बता देते, मेरी बहुत सारी सहेलियां हैं जिनका तलाक हो चुका है। चुप कर सुशीला, जैसा भाई वैसी बहन, देख रहे हो अपनी बहन को? ए भगवान क्या कमी रह गई थी मेरे 16 सोमवार के व्रत में, कैसा बेवफा पति मिला है। अरे कोई चक्कर नहीं चल रहा, झूठ बोल रहे हो तुम। सिर्फ खाना खाया था, वो भी जबरदस्ती दे के गई थी इसलिए। अच्छा कोई चक्कर नहीं चल रहा? नहीं। तो तुम अभी उसे मैसेज करो, उसको बोलो कि उसका खाना एकदम वाहियात और घटिया था। अरे भाभी खाने को कौन गंदा बोलता है? सही बोल रही है सुशीला, ऐसे मैसेज करूंगा बुरा नहीं लगेगा उसको? मुझे नहीं पता ये सब, तुम बस उसको मैसेज करो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं। एक ग्राम विकास अधिकारी किसी की धमकी से नहीं डरता। अच्छा अब मैसेज नहीं, अब तुम उसे कॉल करके बोलोगे कि उसका खाना वाहियात था वरना आज इस घर में तूफान आएगा। फिर से आया मैसेज, सैलरी आ गई। अच्छा सैलरी आ गई। सुनो अगर तुम्हें इस घर में शांति चाहिए ना तो मुझे शॉपिंग करवाने लेके चलो। क्या भाभी आप भी भैया का पैसा खर्च कराने में लगी रहती हो? मेरे भैया को इन पैसों में घर भी तो चलाना होता है ना। अच्छा इतना ही घर के खर्च का सोच रही है तो चली क्यों नहीं जाती वापस? एक आदमी का खर्चा तो बचेगा। भैया देखो ना भाभी मुझे फिर से जाने को कह रही है। तुम क्या बार बार इसे घर जाने को बोलती रहती हो? तुम मेरी बीवी बाद में हो और ये मेरी बहन पहले है। ये इस घर में रह रही है यही बहुत है, ज्यादा भाई बहन करने की जरूरत नहीं है। और अगर शॉपिंग नहीं करवानी तो अभी पुष्पा को फोन करो और उसको बोलो कि वो एक नंबर की चुड़ैल, कुलच्छनी और कलमोही है। बताओ क्या खरीदना है? ये लो लिस्ट, मैंने कल रात को ही बना ली थी। इतनी लंबी लिस्ट? अभी एक और भी है, रेड लिपस्टिक, लाइट रेड लिपस्टिक, ब्रिक रेड लिपस्टिक, लाल लिपस्टिक। अरे सारी तो लाल ही है इसमें, सब अलग अलग है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये लाल लिपस्टिक लगाने से बूढ़ी गाय बछिया नहीं बन जाती है? बुढ़ी किसको कह रहे हो, अपनी बैल जैसी शक्ल देखिए, आज भी मोहल्ले में निकल जाए ना तो मुझे तुम्हारी बहू कहते हैं। भैया आपको इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, और भाभी आपको भी तो समझना चाहिए ना। वैसे सच बताऊं तो शॉपिंग की जरूरत तो मुझे है, मैं सारे कपड़े छोड़कर आ गई, पर देखो मैं तो फिर भी कुछ नहीं कहती। देखा इस बेचारी को जरूरत है कपड़ों की। हाँ तो हमने नहीं कहा था घर छोड़ के आने के लिए, तू अपनी मर्जी से घर छोड़ कर आई है। तुम हिसाब से बोला करो, बता सुशीला क्या क्या खरीदना है? 4 साड़ी, 3 कुर्ती, 5 जीन्स और 8 टॉप। बहुत बढ़िया, मैडम अपना घर छोड़ के आई और यहाँ जीन्स टॉप पहनेंगी। मुझे तो लगता है इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसने निकाल दिया होगा। भाभी आप बीच में मत बोला करो, मैं देख रही हूँ आप हमेशा भैया को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हो। अरे मैं क्यों ना बीच में बोलूँ, मेरा घर मेरा पति, बढ़िया जीन्स टॉप पहनने वाली। अरे देख रही हो उसके पास कपड़े नहीं है, तुम तो हर महीने 19 जोड़ी कपड़े खरीद के लाती हो, इसने 4 कपड़े क्या बोल दिया तुम्हें, मिर्ची लग गई। 2 महीने हो गए हमें शॉपिंग किए और तुम
मुझे शॉपिंग कराने के नाम पे वो कहाँ ले जाती हो? शुक्र बाजार। अरे तो तुम्हें घर में रहना होता है, नए कपड़ों की क्या जरूरत? और ज्यादा मन करे तो मोड़ पर से दो नाइटी ले लिया करो। अच्छा, मैं मोड़ से दो नाइटी खरीद लूं और ये यहाँ पर जीन्स पहन के घूमे? सुन लो, अगर अब जीन्स आएगी तो मैं भी पहनूंगी। एक ग्राम विकास अधिकारी की बीवी जीन्स नहीं पहन सकती। अच्छा, बहन जीन्स पहन सकती है पर बीवी नहीं? अरे तो जीन्स पहनने के लिए कमर 28 की होनी चाहिए, 38 की नहीं। अपनी कमर देखो, कमरा बनता जा रहा है। हर महीने तुम्हारी पैंट 2 इंच पीछे से खोलनी पड़ती है। हाँ तो खोलनी तो पड़ेगी, खाने के नाम पे तेल जो पिलाती हो। हाँ भैया, खाने में तो बहुत तेल होता है। जब से आई हूँ तब से मेरे कपड़े टाइट हो गए हैं। तो ढीला करने का नुस्खा है मेरे पास सुशीला रानी। सुबह 5 बजे उठ के जमीन पे बैठ के पोछा लगाओ और पूरा दिन घर का खाना बनाओ, सारी चर्बी यूं उतर जाएगी। जो सलाह तुम इसको दे रही हो वो खुद पे भी अप्लाई कर सकती हो। इतनी मोटी लगती है तो जिम क्यों नहीं ज्वाइन करवा देते मुझे? हाँ, जिम भेज दूं ताकि वहाँ ट्रेनर तुम पे लाइन मारे। तो तुम्हारा पुष्पा का चल सकता है, मेरे और मेरे जिम ट्रेनर का नहीं चल सकता? क्या भाभी, आप पुष्पा पुष्पा करती रहती हो। हाँ, तुम तो चाहती ही यही हो कि जैसे तुम्हारा घर टूटा है वैसे मेरा भी टूट जाए ताकि तुम यहाँ चैन से जी सको। तुम आराम से बात क्यों नहीं करती हो, जब देखो चिल्लाती रहती हो। आराम आराम तो मुझे कुंवारेपन में ही था, मेरे पापा के घर पे। जब से मेरी शादी हुई है ना तुमसे, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। बर्बाद तो मेरे भैया की हुई है, अनिल कपूर से कब बोनी कपूर बन गए पता ही नहीं चला। और ऐसा ही चलता रहा तो लेट ऋषि कपूर होने में भी टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ, यही तो एक फैमिली है कपूर एंड सन्स की। मेरी फैमिली तो आइसक्रीम बेचती थी। आइसक्रीम बेचे, पापड़ बेचे, उससे हमें क्या लेना देना है? हमारी तो जिंदगी आराम हो गई ना।